तो गाइस आप एक ऐसा मिररलेस कैमरा ढूंढ रहे हैं जो कि आपके बजट के साथ साथ आपको हर वो फीचर्स प्रोवाइड कर सके जो कि एक कैमरे में होना काफी जरूरी है, साथ में आपको हाई FPS, रियल टाइम आई ऑटो फोकस, मैनिफेस्ट डिटेक्शन, AF पॉइंट्स, स्टेबलाइजेशन जैसे ढेर सारे फीचर्स मिल जाए तो आप एकदम सही जगह आए हैं। मैंने आपकी सारी नीड्स को कवर करते हुए इस लिस्ट में टोटल 6 कैमरास को लिया है। प्राइस यहाँ पे 50,000 to 80,000 रुपीज तक की रखी है एंड ट्रस्ट मी, इस प्राइस रेंज में इन कैमरास को काफी डीप रिसर्च के बाद इस लिस्ट में लिया गया है। ये आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैमरास हो सकते हैं, सो वीडियो में एंड तक बने रहना। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस लिस्ट में एट नंबर 6 पे आने वाला कैमरा आपको फ्यूजी फिल्म की तरफ से X200 देखने को मिलता है। अभी ये एक प्रोफेशनल मिररलेस कैमरा है जो कि हाईली एडवांस इमेजेस एंड वीडियोस कैप्चर करता है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको एक लाइट वेट इंडोर एंड आउटडोर कैमरा चाहिए। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, एकदम एर्गोनोमिक लुक के साथ में काफी लाइट वेट इसे बनाया गया है। कैमरे में आपको 24 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर मिल जाता है जो कि XE 15-45mm किट लेंस के साथ में आता है। कई सारे यहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, फेस डिटेक्शन, एडवांस फिल्टर्स, आई ऑटो फोकस, HDR, मूवी मोड जैसे कई फीचर्स मिल जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, 3.5 इंच की यहाँ पे आपको LCD टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि 0-180 degree तक इजीली रोटेट हो जाती है। वीडियो क्वालिटी में ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग एट 30 FPS एंड 1080p एट 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें लिटरली स्टेबिलाईजेशन काफी स्मूथ देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको अराउंड 67,000 रुपीज में Amazon पे देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑफर्स में अगर आप इसे ट्राई करें तो ये आपको अराउंड 55,000 रुपीज में मिल सकता है। सो गाइस इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक अच्छा सा लाइट वेट मिररलेस कैमरा चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस लिस्ट में एट नंबर 5 पे आने वाला कैमरा आपको निकोन की तरफ से Z30 देखने को मिलता है। अभी गाइस ये एक न्यूली लॉन्च्ड Z सीरीज मिररलेस कैमरा है जो कि स्पेशली यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बना है। मतलब यहाँ पे आप व्लॉगिंग, अनबॉक्सिंग, टेबल माउंट वीडियोस के साथ साथ फोटोग्राफी, हाई रिजोल्यूशन थंबनेल्स एंड प्रमोशनल इमेजेस काफी अच्छे से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके डिजाइन टोटली व्लॉगर्स के लिए बनाई गई है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी हैंड ग्रिप मिल जाती है जो कि आई थिंक इस प्राइस रेंज में और किसी भी कैमरास में नहीं मिलती। बाकी निकोन ने इसे लाइट वेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं दिया है, सो आपको आउटडोर्स में फोटोज कैप्चर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ये काफी अच्छा है। 20.9 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको APS-C सेंसर मिल जाता है जिसमें ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग एट 30 FPS एंड फुल HD एट 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, सो ये भी काफी अच्छा है। फीचर्स में यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन बार, ISO सेंसिटिविटी, टाइम स्लैप, मोड फिल्टर्स, AF पॉइंट्स, फेस ट्रैकिंग, वाइट बैलेंस, मूवी मोड जैसे कई सारे एडवांस फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में यहाँ पे आपको सिंगल कार्ड स्लोट, USB-C to USB-C केबल, ब्लूटूथ, वाईफाई, HDMI, NFC जैसे कई सारे सपोर्ट्स मिल जाएंगे। अब बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको अराउंड 56,000 रुपीज में Amazon पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसे ऑफर्स में ट्राई करें तो ये आपको अराउंड 52,000 रुपीज तक मिल सकता है। सो गाइस इस प्राइस रेंज में अगर आपको हाइब्रिड कैमरा लेना है जिसमें आप फोटोज एंड वीडियोस काफी अच्छे से कैप्चर कर सके तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं।
अभी गाइस एट नंबर 4 पे आने वाला कैमरा आपको कैनन की तरफ से M50 मार्क 2 देखने को मिलता है। अभी आपको पता ही होगा कैनन काफी अच्छा ब्रांड है एंड ये मिररलेस कैमरा 50,000 रुपीज की प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, प्रीमियम फील के साथ साथ काफी लाइट वेट इसे बनाया गया है। मतलब नॉर्मली जो कैमराज होते हैं वो हैवी वेट के साथ में आते हैं और वो शूट करते टाइम काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इजिली आप फेस कैम वीडियोस, व्लॉगिंग, शूटिंग्स कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पे आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है एंड यहाँ पे डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है जिसमें काफी स्मूथ वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो क्वालिटी में ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग एट 25-30 FPS एंड फुल HD एट 50-60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। सो ये यहाँ पे बढ़िया बात है। बाकी कई सारे एडवांस फीचर्स लाइक एपरेचर मोड, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंसर एंड स्टेबलाइजेशन जैसे कई फीचर्स मिल जाएंगे। बॉक्स में आपको 15-45 mm जूम लेंस, बैटरी चार्जर, स्ट्रैप, कैमरा एंड बैटरी पैक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड नहीं मिलता, उसे आपको अलग से परचेज करना होगा। अब बात करें इसकी प्राइस की तो ये कैमरा आपको अराउंड 56,000 रुपीज में अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा एंड अगर आप इसे ऑफर्स में ट्राई करें तो ये आपको अराउंड 54,000 रुपीज तक पड़ सकता है। सो गाइस 50,000 रुपीज की प्राइस रेंज में अगर आपको एक हाईली एडवांस मिररलेस कैमरा चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। गाइज लिस्ट में एट नंबर 3 पे आने वाला कैमरा आपको सोनी की तरफ से अल्फा ZV-E10 देखने को मिलता है। बता दी कि ये कैमरा हमारे इस लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है एंड ये एक ऐसा कैमरा है जो कि अब तक मैंने जितने भी कैमरास बताए हैं उन सभी को बीट करते हुए काफी एडवांस कैमरा है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, एकदम प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में कॉम्पैक्ट एंड लाइटवेट इसे बनाया गया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 16-50 mm पावर जूम लेंस मिल जाता है जो कि अब तक जितने भी कैमरास बताए हैं उनमें ये नहीं आता। मतलब जूम इन एंड जूम आउट आप वन बटन से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। 24 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको इमेज सेंसर मिल जाता है जिसमें वीडियो क्वालिटी 4K रिकॉर्डिंग एट 30 FPS एंड 1080p एट 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी के फीचर्स लाइक रियल टाइम आई ऑटो फोकस, हाई रेजोल्यूशन सेंसिटिविटी, स्मूथ एंड स्टेबल AF, ड्यूरेबिलिटी अप टू 1000 शटर साइकल्स, हाइब्रिड लॉक, गामा सपोर्ट, फॉर इंस्टेंट HDR वर्कफ्लो जैसे कई फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे एंड सबसे बड़ी बात LCD स्क्रीन यहाँ पे आपको 180 डिग्री तक टिल्टेबल है जो कि वर्सेटाइल टच फंक्शन के साथ में आती है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको अराउंड 68,000 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा एंड अगर आप इसे ऑफर्स में ट्राई करें तो ये आपको अराउंड 62,000 रुपीज तक अमेजोन पे देखने को मिल सकता है। सो गाइस इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक हाईली एडवांस ऑल इन वन मिररलेस कैमरा चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अभी गाइस एट नंबर 2 पे आने वाला कैमरा आपको निकोन की तरफ से Z50 देखने को मिलता है। बता दूं कि निकोन भी हाईली ब्रांड्स में से एक है एंड ये मिररलेस कैमरा आपको 2 लेंसेज के साथ में मिलता है जिसमें फर्स्ट 16-50 mm एंड सेकंड 50-250 mm है। सो ये काफी बड़ी बात है। मतलब वीडियोस के साथ साथ इमेज फोटोग्राफी भी यहाँ पे हाई लेवल की कर सकते हैं। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, अच्छी खासी हैंड ग्रिप के साथ साथ प्रीमियम फील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे 20.9 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जिसमें फोटोज एंड वीडियोस को लो लाइट में इजीली शूट कर सकते हैं। बाकी स्पेशल फीचर्स में यहाँ पे आपको इन कैमरा ट्रिमिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, टाइम स्लिप, शाइन्स इन लो लाइट, आई कैचिंग इन सो मेनी वेज, यूनिक मोड फिल्टर्स जैसे कई एडवांस फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग एट 30 FPS एंड 1080p एट 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी स्लो मोशन में ये कैमरा फुल HD 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको अराउंड 96,000 रुपीज में अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक किट लेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा हाई mm लेंस चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये आपको सभी एसेसरीज के साथ में देखने को मिल जाता है। बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं।
गाइज लास्ट नंबर वन पे आने वाला कैमरा आपको अगेन सोनी की तरफ से अल्फा 6400L देखने को मिलता है। बता दे कि सोनी कैमरास में हाईटेक ब्रांड्स में से एक है एंड ये मिररलेस कैमरा लिटरली काफी एडवांस कैमरा है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, एकदम लाइटवेट एंड कॉम्पैक्ट सा ये कैमरा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। यहाँ पे आपको 16-50mm पावर जूम लेंस मिल जाता है जो कि अब तक मैंने जितने भी कैमरास बताए हैं उनमें ये नहीं आता। मतलब जूम इन एंड जूम आउट यहाँ पे वन बटन से आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी 24 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको इमेज सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि हाई क्वालिटी लाइट सेंसिटिविटी फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कई सारे एडवांस फीचर्स लाइक रियल टाइम आई ऑटो फोकस, IPS-C सेंसर, 425 फेस डिटेक्शन, कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स, एक्यूरेट सब्जेक्ट ट्रैकिंग जैसे कई डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग एट 30fps एंड 1080p एट 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें स्टेबलाइजेशन काफी स्मूथ देखने को मिलता है। स्लो मोशन में ये कैमरा 120fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। अब बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको अराउंड 80,000 rupees में Amazon पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक हाईटेक ब्रांड्स के साथ साथ हाईली एडवांस मिररलेस कैमरा खरीदना है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस कैमरा खरीदने का अगर आपको कोई डिफरेंट क्राइटेरिया हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से अलग अलग कैमरास देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में।